नमस्कार, मैं विधि अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ विधानसभा के सियासी समीकरण में। आइए आज आपको लिए चलते हैं अंबिकापुर विधानसभा सीट पर और बताते हैं कि क्या कुछ समीकरण इस सीट पर दिखाई दे रहे हैं। 2008 के परिसीमन के बाद इस क्षेत्र की सीमाएं बदली और अनुसूचित जनजाति से यह एक सामान्य सीट बनी। यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। इस सीट पर लगभग 40 सालों से कांग्रेस ने शासन किया है। केवल 2003 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। सरगुजा जिले की अंबिकापुर विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने शहरों में से है। छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी, बड़े स्कूल, अन्य सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अधिकतर जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर हैं। अंबिकापुर का लगभग 40% इलाका जो है कृषि से ताल्लुक रखता है, इसलिए इन चुनावों में यहाँ किसानों को बड़ी आस है। कौन कौन है मैदान में? कांग्रेस से टीएस सिंहदेव, बीजेपी से अनुराग सिंहदेव, बसपा से सीताराम, आम आदमी पार्टी से साकेत त्रिपाठी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी से टीएस। मतदाता, कुल मतदाताओं की संख्या है 217,808। महिला मतदाता 108,012। पुरुष मतदाता 109,776। क्या है जनता का स्थानीय मुद्दा? स्वास्थ्य सुविधाओं और सड़कों की बदहाली एक बड़ा मुद्दा है। किसानों को कृषि बीमा का लाभ ना मिल पाना एक गंभीर समस्या है। सिंचाई का मुद्दा यहाँ महत्वपूर्ण है। क्या कहता है चुनावी समीकरण? कांग्रेस सरगुजा रियासत के महाराज और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अपने सरल व्यवहार के चलते जनता के बीच टीएस सिंहदेव खासे लोकप्रिय रहते हैं। बीजेपी अनुराग सिंहदेव की अगर बात की जाए तो इस सीट पर एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अनुराग सिंहदेव ने 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार भी अनुराग ने टीएस सिंहदेव के खिलाफ चुनावी शंखनाद कर जंग में उतरने की तैयारी कर ली है। इस सीट पर हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती आई है।